हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेशमा और आपका स्वागत है रेशमा जी की रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की ऐसी सब्जी जो आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे और बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बैंगन लिए हैं। इसका ऊपर वाला जो भाग है उसे हम हटा देंगे, मतलब ऊपर की जो ये है उसे हटा देंगे और इस तरीके से हम स्क्वायर शेप में, ट्राइंगल शेप में काटते जाएंगे। आप स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो, बट मैं यहाँ पर ट्राइंगल शेप में काटूंगी। इस तरीके से हम सभी को अच्छे तरीके से काट लेंगे और इसे वॉश कर लें। देखिए, हमने यहाँ पे वॉश कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 3 बड़े साइज़ के और 3 से 4 प्याज लिया है। अब यहाँ पे एक कुकर लेंगे, उसमें ऑयल दे देंगे हम, इसे प्रे हीट कर लेंगे। यहाँ पे मेथी देंगे यानी कि फेन्युग्रीक देंगे। इसे रेड कर लेंगे ब्राउन टाइप का। उसके बाद इसमें हम देंगे अपना अनियन, प्याज दे देंगे अच्छे तरीके से और यहाँ पे मैं लहसुन भी दे रही हूँ 3 से 4 कली और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी मिर्चा और नमक दे देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी देकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे सीटी लगा देंगे, हम यहाँ पे 2 सीटी लगाएंगे। अब देखिए, हमारा मसाला जो है काफ़ी भुना चुका है और यहाँ पे पक चुका है अच्छे तरीके से। तो इसे 2 मिनट और कुक करने के अब इसमें हम बैंगन देंगे, ब्रिंजल। इसी के साथ हम अपने यहाँ पे आलू भी दे देंगे, पटेटो और यहाँ पे दे देंगे टमाटो, टमाटर भी यहाँ इसी के साथ दे देंगे हम और थोड़ा सा पानी देके सभी को सीटी लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सीटी लगा दिया, हमें 3 सीटी लगाना है। अब हमारी सीटी लग चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स दे देंगे और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब